यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो सीएम जयराम ठाकुर का एक साल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है धर्मशाला में, और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई अभी आपने सुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जनता को संबोधित किया और सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपनी बात जनता के सामने रखी और अपने एक साल के कार्यकाल के बारे में बताया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं धर्मशाला से हमारे संवाददाता कमल कौशिक। कमल, जो भी अभी तस्वीरें हमने देखी और जो भी जनता को संबोधित करने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कहीं ना कहीं क्या लगता है ये जो सारी रैली रही, ये जो भव्य रैली, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या लगता है चार लोकसभा सीटें जो थी उसे लेकर जनता का दिल जीत पाई बीजेपी या फिर नहीं? देखिए शीनम, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो ऐसा कोई जिक्र तो पीएम की जुबान से सुनने को नहीं मिला है कि लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तैयारी को लेकर यहाँ पर एक साल के जश्न में शरीक हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व की सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। कांग्रेस पार्टी का आज नाम बहुत कम लिया गया है, ये सबसे हैरानी वाली बात है। हालांकि उन्होंने पूर्व की सरकार का नाम लेते लेते, यानी कि कांग्रेस पर निशाना तो साधा है, लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर नाम उन्होंने बहुत कम लिया है। और सबसे बड़ी बात ये भी उन्होंने कही है कि चौकीदार सो नहीं रहा है इसलिए चोरों को डर है। ये बड़ी बात अपने आप में कही है, और ये बड़ी बात अगर कही है पीएम ने तो सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लेकर कहा है। जो भी योजनाएं हैं हिमाचल सरकार की उसको देखकर गदगद हुए हैं, तारीफों के पुल बांधे हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने। सीएम जयराम ठाकुर के जो तारीफ है बहुत ज्यादा किए हैं, अपना मित्र उन्हें बताया है, आपने संबोधन भी सुना, दर्शकों ने भी सुना है, और साथ ही काफी खुश दिखाई दिए हैं क्योंकि जो लघु फिल्म दिखाई गई थी उन्होंने कहा कि मैं प्रभावित हुआ हूं ज्यादा, एक साल में कोई सरकार इतना काम कैसे कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो पहाड़ी राज्य है उनसे हिमाचल को स्पर्धा नहीं होगी, हिमाचल बहुत आगे निकलने वाला है। जो प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया था उसको लेकर भी उन्होंने तमाम योजनाओं को समझा है। जो किसानों के लिए बात कही गई कि ऑर्गेनिक अगर खेती हिमाचल में की जाए तो आने वाले समय में यहाँ का किसान बहुत ज्यादा जो है अपनी आमदनी कर सकता है। हालांकि किसान बहुत कम हिमाचल में, लेकिन उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक खेती को लेकर उन्होंने यहाँ से एक बड़ा बयान भी दिया है। और अच्छी बात अगर ऐसा हो भी जाए, उन्होंने एक ये भी बड़ी बात कही है कि आने वाले समय में जो रेल परियोजना है उसको लेकर जो है करोड़ों खर्च करने वाली है केंद्र की सरकार, और जो शिमला कालका वाला रेल मार्ग है जो कि बहुत पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो जरूर सफर करते हैं, वहाँ पर अलग तरह के रेल डिब्बे बनाए गए हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की उन्होंने बात कही है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, जैसे कि आपने सवाल ही किया था, तो उसको लेकर लग रहा है कि तैयारी तो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक साल के जश्न में शामिल होकर पीएम मोदी ने तारीफ की है, सराहा है जयराम सरकार के काम को, और उनकी तमाम जो टीम है उसको भी बधाई देते नजर आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अब भी चल रहे हैं शीनम, और इसके बाद सीधे जो है पीएम मोदी अब दिल्ली के लिए रवाना होने ही वाले हैं। बिल्कुल कमल, कहीं ना कहीं अगर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बात नहीं की गई लोकसभा चुनावों को लेकर, लेकिन जयराम ठाकुर जरूर बात करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा की जो चारों सीटें हैं वो हम चाहते हैं कि केंद्र की झोली में हम डालें और बीजेपी के हाथ वो चारों सीटें आए। बिल्कुल शीनम, अगर बात करें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, तो जयराम ठाकुर का जो बयान सामने आया है मन से, जो उन्होंने बातें कही हैं अपने संबोधन में कहा है, वो भी ये दिखलाता है कि कितने आश्वस्त हैं। जो उन्होंने एक साल में काम किए हैं वो एक साल का काम अपने आप में बेहतरीन वो मानते हैं, और जब जनता से हमने बातचीत की थी उनको भी लगा था। देखिए एक साल बहुत कम होता है सरकार का, वाकई में ये सभी को मालूम है। अगर एक साल में अगर सरकार इतनी योजनाएं लाकर धरातल पर उतारने का अगर दावा ठोकती हो, अगर 36,500 के लाभार्थी का दावा सरकार करती हो कि यहाँ पर आए हो, काफ़ी संख्या में लोग आए भी थे, अगर उन लाभार्थियों में से उनको वाकई में एक साल में फ़ायदा मिला हो तो ये बड़ी बात है। अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत सा फायदा होने वाला है। चार सीटें हैं लोकसभा चुनाव में हिमाचल में, और चारों सीटों जो कब्जा है वो बीजेपी के सांसदों का है। अब देखिए कितनी अहम ये सीटें हैं, सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना ही होगा। रिपोर्ट कार्ड पेश करने के अलावा जो सरकार का कार्यकाल रहेगा लगभग डेढ़ साल तब तक हो जाएगा, डेढ़ साल का मूल्यांकन करना होगा आम जनता को, वो देखकर और पीएम मोदी की जो बातें हैं उनको सुनकर, पाँच साल का जो कार्यकाल रहा
एनडीए सरकार का केंद्र में उसको देखकर और इन साजिशों का तमाम जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखकर ही जनता वोट करेगी लोकसभा चुनाव में चार सीटों पर हिमाचल में। देखना होगा कितना दिलचस्प रहता है। हालांकि एक बात और बड़ी है, कांग्रेस ने भी सुर्खियां आज बटोरी है। हिमाचल कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है, शिमला में चार्जशीट लाई गई है। गंभीरता से बीजेपी ने बेशक ना लिया हो लेकिन आरोप बड़े बड़े लगाए गए हैं, घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। पारदर्शिता की बात बीजेपी करती है लेकिन कांग्रेस कहती है कि झूठे दावे हैं और ये झूठे जो दावे हैं इनकी पोल खुलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कमल हमारे संवाददाता वहां से लाइव जुड़े थे, तमाम जानकारी उन्होंने इस खबर को लेकर दी। फिलहाल जयराम सरकार का एक साल पूरा हो चुका है और जश्न जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।